एनटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एनिमेशन के माध्यम से किसी फुटबॉल को हम कैसे मूव कराते हैं। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, सेम यही स्ट्रक्चर हमको एमएस पावर पॉइंट पे सीखना है कि अगर जैसे कि अगर हमको सीढ़ी से अगर इस फुटबॉल को ऐसे मूव कराना हो, वो भी एनिमेशन के माध्यम से, तो कैसे मूव कराते हैं, वही आज की क्लास में सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करिएगा, आप यहां से कि कंट्रोल एम से एक नया स्लाइड ले लीजिएगा, कंट्रोल प्लस एम। इसके बाद चूंकि सीढ़ी आपको बनाना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट टैब में आइएगा और यहाँ पे आपको आना है शेप पे। तो शेप तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक शेप आपको मिलता है, इसका नाम है कर्व शेप। इसका नाम है कर्व शेप, ठीक है ना, कर्व शेप। इसी पे क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद प्लस का सिंबल बन जाएगा। अब यहां से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहां तक लेके आइएगा, फिर माउस का लेफ्ट बटन 2 बार इसी पे क्लिक करिएगा, फिर इसको नीचे की तरफ ऐसे मूव कराइए, फिर इसको लेफ्ट। इसी शेप का इस्तेमाल करके बनाएंगे तभी श्रेणी बन पाएगा, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। डाउनलोड करके यहां तक बनाने के बाद इसको नीचे के साइड हटे टर्न करेंगे, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर राइट साइड में ऐसे लेकर के जाएंगे लाइन में, ध्यान दीजिएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट आपका मिलना चाहिए तभी सर आपका सीढ़ी बन पाएगा, ये ध्यान रहे, जल्दी सीढ़ी बन नहीं पाता है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। इसको बनाने के बाद आप क्या करिएगा, इसी पे माउस का आप राइट बटन दबाइए, क्या करना है, राइट बटन दबाना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट सेव का ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे फॉर्मेट सेव दिया है, इसी पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इफेक्ट वाला ऑप्शन दिया, इसी इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है 3D फॉर्मेट पे, क्योंकि इसको क्या करना है, 3D के रूप में बनाना है। इसको बनाने से पहले आप क्या करिएगा, इसकी कलर को आप शेप फिल पे आकर के और यहाँ पे आ जाइएगा टेक्सचर पे। तो टेक्सचर के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें बहुत सारा कोई सा भी आप टेक्सचर लगा सकते हैं, देखिए बहुत सारा टेक्सचर आपका दिया, आप ऐसे फर्नीचर वाला लगाना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन दिया है, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आकर के शेप आउटलाइन पे और इसकी आउटलाइन को भी आप यहाँ से हटा दीजिएगा, नो आउटलाइन कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद इस श्रेणी में और इस श्रेणी में देखिए बहुत अंतर आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा 3D टाइप का आपको दिख रहा है लेकिन ये 3D टाइप का नहीं दिख रहा है, तो ये 3D में आपको बनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इसी सीढ़ी पे माउस का राइट बटन आप दबाइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है फॉर्मेट पिक्चर पे, ठीक इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आ जाना है आपको 3D फॉर्मेट पे, कहाँ पे आना है, 3D फॉर्मेट पे, और यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन टॉप विवेल दिया है ना, इस पे क्लिक करके और यहाँ से आप ये वाला ले लीजिए। अब यहाँ पे ये जो टॉप विवेल में 6 PT दिया हुआ है, 6 PT, इसको 36 भर लीजिएगा, इसमें 20 ले लीजिएगा, कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइएगा बॉटम वाले ऑप्शन पे, यहां पर भी आप 36 ले लीजिएगा, फिर यहां पे आइएगा और यहां पर भी मैंने यहाँ पे 36 ही दे दिए, कुछ ऐसे सीढ़ी आपको दिखने लगे। इसके बाद से आप इसको यहां से क्लोज कर दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए। इसके बाद से सीढ़ी को थोड़ा सा ऐसे नीचे मूव कराइएगा, क्योंकि स्पेस रहेगा तभी मूवमेंट करेगा, ऐसे जितना टाइम लगेगा सीढ़ी बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि जल्दी बन नहीं पाएगा, ध्यान दीजिए,
कर्व वाले शेप से ही बन पाएगा। इसके बाद आप क्या करिएगा, पुनः आप इंसर्ट टैब में जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले शेप वाले ऑप्शन पे, और इस टाइप का शेप मिलेगा, डबल लाइनिंग वाला फ्रेम मिलेगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिएगा बस। ठीक है, सेम कंडीशन, इसी पे माउस का राइट बटन दबाने से पहले शेप फिल पे आइए, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले टेक्सचर पे, और ये वाला टेक्सचर आप ले लीजिएगा, आउटलाइन यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे, इसी पे माउस का हम राइट बटन दबाएंगे, क्योंकि इसको भी 3D के मोड में बनाना है, राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर पे आ जाइए, इसमें आपको ले लेना है 3D, और इसमें भी 36 आप दे दीजिएगा टॉप में, इसमें क्या था 20, इसमें भी आपको 36 ले लेना है बॉटम वाले ऑप्शन, इसमें भी 36। इतना लेने के बाद इसके बाद से क्या करिएगा, एक फिगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा रैबिट फिगर, रैबिट इमेज, इसको डाउनलोड इसी को डाउनलोड कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, डाउनलोड करने के बाद इसके बाद से आ जाना है पावर पॉइंट की स्लाइड, अब इसी में ये फिगर आपको लगाना है, तो आप यहाँ पे इंसर्ट में आइएगा और यहाँ से पिक्चर पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगा कहाँ पे, तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, इसी पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट करा लेते ये होता हैं, थोड़ा सा इस फिगर को छोटा कर लीजिएगा और इसी फ्रेम में ले जाके इसको एडजस्टमेंट करना, कौन लेगा बैंक इसको बैक भेज दीजिएगा, सेंड बैकवर्ड से। ठीक है, अब इसको कंट्रोल के साथ ऐसे सिलेक्शन करके अब इसकी आप यहाँ से ग्रुपिंग कर लीजिएगा, ग्रुपिंग करना मैंने आपको बताया था ना, और ग्रुपिंग करने के बाद आपको सेम तरीके से आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है फुटबॉल इमेज, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे है बता दे रहे हैं, फुटबॉल इमेज, चलिए यही वाला इमेज हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके इस इमेज को पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इसको PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं कहाँ पे, तो डेस्कटॉप है फुटबॉल के नाम से। देखिए डाउनलोड करने के बाद इससे फायदा मतलब अगर देखें हम यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और इस पिक्चर को हम इंसर्ट करवाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में कलर भी आएगा, तो ये JPG में उतना अच्छा नहीं लगेगा, सबसे बेहतर होगा कि आप इसको रिमूव BG का इस्तेमाल करके आप इसको हटा दें। ठीक है ना, इसी बैकग्राउंड को हटाने के लिए रिमूव BG, बस आप यहाँ पे सर्च करिएगा रिमूव BG, आप इसको हटा दीजिएगा इसकी बैकग्राउंड को रिमूव BG। इसको ओपन कर दीजिए, बस इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जब आप आइएगा तो इंसर्ट में आना है पिक्चर में, और यहाँ से कहाँ पे मिलेगा डाउनलोड से, और यहाँ से फुटबॉल इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, है बात नहीं,
देखिए अब इस बाल को मूव कराना है पूरा नीचे की तरफ, वो भी एनिमेशन के माध्यम से। एनिमेशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि एनिमेशन के माध्यम से ही हम इसको मूव कराएंगे। क्योंकि एनिमेशन जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, फुटबॉल पे क्लिक किए रहेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एनिमेशन वाला ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब आप किसी फिगर को सिलेक्शन करेंगे। अगर कहीं पर भी कहीं बाहरी जगह सिलेक्शन करते हैं तो एनिमेशन टैब आपका हाईलाइट नहीं होता है। तो सबसे पहले इमेज को आप सिलेक्शन करिए। इमेज को सिलेक्शन करने के बाद और आप चले आइएगा यहीं पे एनिमेशन वाले ऑप्शन पे। अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा। यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टम पथ के नाम से, इसी पे क्लिक करिएगा। कस्टम पथ यहाँ पे प्लस का सिंबल दे रहा है ना, प्लस का सिंबल। जी सर आप इसको कहाँ मतलब कैसे मूव कराना चाहते हैं, इसके लिए आप इसको स्थान दे। क्या चीज, प्लस वाला सिंबल कैसे बड़ा हो जाता है? प्लस का सिंबल कहाँ? अच्छा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तब। जी तो स्लो करने के लिए टाइमिंग आपको बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जी यहाँ से टाइमिंग आप जितना बढ़ा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग मैंने दे दिया, यहाँ पे जितना टाइमिंग बढ़ाएंगे उतना स्लो काम करेगा। और ऑन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस आप ले लीजिएगा। आप शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा, ठीक है ना। पर इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे विथ प्रीवियस लेना है और टाइमिंग आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना। क्योंकि टाइमिंग अगर आप कम कर देते हैं तो देखिए, अभी कम कर देते हैं तो कितना फास्ट मूव करेगा। इसकी प्रीवियस देखिए, सर ऐसे तो गेम बिल्कुल बस सिंपल समझिए मैं कहाँ कहाँ गया था। सबसे पहले आपको एनिमेशन पे आना है और इसी को थोड़ा सा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आना है, तब जाके कस्टम पथ का ऑप्शन गया मिलेगा। हाँ, कस्टम पथ, इसी पे क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद एक प्लस का सिंबल मिल जाएगा, इसी प्लस के सिंबल के माध्यम से आप कैसे मूव कराना चाहते हैं इसको मूव करा सकते हैं। जैसे आप लाइनिंग बनाएंगे उसी के हिसाब से ये मूव करेगा। देखिए हो जाएगा, अब अपने हिसाब से आप इसकी टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा। ये ध्यान है कि ऑन क्लिक को हटा करके विथ प्रीवियस आपको ले लेना है और यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा दीजिए, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा, हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करिएगा, इसमें जो है एक बैकग्राउंड का कलर भी लगा दीजिएगा डिजाइन से आकर के। और यहाँ पे एक नॉर्मल कलर आप लगा देंगे तो थोड़ा सा इसकी कलर थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब रिव्यू चलिए, रिव्यू टैब में मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, टैब रिव्यू टैब मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। पढ़ने वाला जो है वो है आपका बस केवल व्यू टैब आपका दिया है। तो व्यू टैब के भी बारे में हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दूसरा चलिए अब हम व्यू टैब के बारे में कुछ ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। जैसे कि हम फाइल पे जाते हैं और यहाँ पे आकर के पहले वाले स्लाइड को हम ओपन कर लेते हैं। देखिए अगर हम व्यू के बारे में बात करें तो व्यू का मतलब ये होता है कि हम इस स्लाइड का व्यू कैसे देखना चाहते हैं, स्लाइड का व्यू हम कैसे देखना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे टोटल स्लाइडों की संख्या आपका 8 बना हुआ है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो ये स्लाइड आपको नॉर्मल वे में दिख रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको आउटलाइन व्यू में कर दिया जाए तो आउटलाइन व्यू पे करेंगे तो कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ये आउटलाइन व्यू में हो गया। वही अगर स्लाइड को छोटा छोटा करके देखना चाहते हैं तो स्लाइड सॉर्टर का आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे दिखेगा आपका। देखिए बहुत सारा स्लाइड आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे दिखता है। पुनः नॉर्मल में आना चाहते हैं तो यहाँ से नॉर्मल में क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में भी आपको दिखाने लगेगा। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका नोट्स पेज। जैसे मान के चलिए कि जो स्लाइड मैंने बनाया है इसी स्लाइड के नीचे हम कुछ नोट्स भी लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नोट्स पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके जस्ट नीचे एक नोट्स आ जाएगा आपका। देखिए आप यहाँ पे अगर आपको कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पर ये ध्यान रहे कि अगर आप इसको प्रेजेंट करवाएंगे शिफ्ट प्लस F5 बटन दबा करके तो ये नोट्स आपका प्रेजेंट नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना, ये नोट्स आपका प्रेजेंट नहीं होगा। बाकी ये नोट्स आपको नॉर्मल वे में दिखाएगा, लेकिन जब आप इसको स्लाइड शो कराएंगे तो ये नोट्स आपको नहीं दिखता है। थोड़ा सा हेल्प के लिए
आप इसमें नोट्स वगैरह टाइप कर सकते हो। पुनः नॉर्मल में जाना है तो आप नॉर्मल में चले जाइए। अगला दिया है ये है आपका रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू कुछ इस तरीके से आप इसका इंटरव्यू निकाल सकते हैं। ये रीडिंग व्यू का टाइप में दिखा रहा है, देखिए पेज आपका वही है, बस ये रीडिंग मोड में आपका क्या हो गया है, चेंज हो चुका है, रीडिंग व्यू में चेंज हो चुका है। मतलब टोटली कहने का मतलब यही है कि जो पावर पॉइंट में जो आपने स्लाइड बनाया है उस प्रत्येक स्लाइड का आप व्यू कैसे देखना चाहते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है स्लाइड मास्टर। अगर स्लाइड मास्टर के बारे में बात करें तो एक जैसा पूरा स्लाइड आपका आ जाता है। स्लाइड मास्टर पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसा इंटरफेस हमको मिल जाता है। अब इस पे कुछ बना बनाया नहीं, लेकिन देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वाले स्लाइड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बना दिया। इसमें हम टाइप कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर में कौन कौन से मेमोरी आते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे बना लेते हैं। आप इस पे आइए और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। आप इसमें आ जाते हैं फर्स्ट में और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आप यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद हेडिंग दे देते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत सेकेंडरी मेमोरी आता है। अब चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसमें मैंने टाइप कर लिया, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया पी रोम कॉमा ई पी रोम कॉमा इसके बाद ई पी रोम यही होता है ना। इसके बाद अगर हम जो है रैम के बारे में बात करें तो डी रैम आता है, इसके बाद यस रैम आता है। इसके बाद से आप आ जाइएगा इस स्लाइड पे और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है तो यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है एच डी डी कॉमा पेन ड्राइव कॉमा एस एस डी कॉमा एफ डी डी यही सब आता है ना। आप देखिए यहाँ पे अगर हम पेज के टॉप में जाते हैं तो अगर हम इस पे कोई फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्शन किया और यहाँ से फॉर्मेट टैब पे आ जाते हैं, अगर इस पे कोई फॉर्मेटिंग अगर आप करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग सब पे दिखाई देता है, सब पे दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, आप सेकेंडरी मेमोरी कह रहा है कि नहीं हमको ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, हमको डिफरेंट कलर में रहना, तो इसको मैंने सिलेक्शन करके और यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं शेप फिल पे आते हैं, इसका कलर मैंने दे दिया ब्लैक कलर और टेक्स्ट की कलर मैंने दे दिया व्हाइट कलर। अब इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया, ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर देते हैं। सेकेंडरी मेमोरी पे मैंने चेंजिंग किया है ना। आप देखिए अगर आप पहले वाले स्लाइड पे अगर आप आते हैं और अब जाकर के कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आप यहाँ से करते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे आने के बाद, सॉरी कंप्यूटर मेमोरी पे आने के बाद अगर कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से करेंगे, जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ से इसकी कलर को चेंज कर देते हैं, यहाँ से येलो कलर है फॉर्मेट पे आइए और इसमें मैंने दे दिया हल्का ग्रीन कलर। देखिए सब पे ग्रीन कलर हुआ है लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पे ग्रीन कलर नहीं, नहीं ये डिफरेंट हो जाता है। मतलब मास्टर स्लाइड का मतलब एक जैसा अगर आपको सब पे फॉर्मेटिंग करना हो तो इसके लिए हम जो है मास्टर स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप शिफ्ट प्लस F5 करेंगे तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, नहीं आप कितना भी बढ़िया बना लीजिए लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता है, बस ये इसकी ड्रॉबैक है। हाँ एक बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है कि आप बना सकें लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता है। हो जाएगा ऐसे नॉर्मल स्केप बटन दबाएंगे तो दिखाएगा लेकिन प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहां तक आप करिएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। यहां से हम कल हम बता देंगे पूरा ऑप्शन, ठीक है। ठीक है।